गंगापुर सिटी में हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। टीवी पे देखो, आपको ऐश्वर्या राय जी दिखेंगी, शाहरुख खान दिखेगा, मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा मोदी जी दिखेंगे। मगर आश्चर्य की बात यह है, गरीब मजदूरों की आवाज और उनके मुद्दों के बारे में आपको टीवी में कुछ नहीं दिखने वाला। 3 मुद्दे। सबसे पहला बेरोजगारी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महंगाई, और तीसरे नंबर पे मगर शायद सबसे जरूरी भागीदारी। जहां भी हम जाते हैं, हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, सब पार्टी के लोग लगाते हैं। देखिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सवाल उठता है, ये भारत माता जिसकी हम जय करते हैं, ये है क्या? ये जमीन तो नहीं है, क्योंकि अगर इस जमीन पे लोग नहीं होते, जनता नहीं होती, तो भारत माता नहीं हो सकती। तो भारत माता का मतलब आप लोग, आपके सपने, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, आपकी आवाज, आपके सपने, आपके डर, आपकी खुशियां, ये है भारत माता। पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले मैंने भाषण किया और मैंने कहा, देखिए, हम भारत माता कहते तो हैं, भारत माता की जय तो करते हैं, बाकी दुनिया जिसको हम भारत माता कहते हैं, बाकी दुनिया उसे सोने की चिड़िया कहती है। हम भारत माता कहते हैं मगर विदेश के लोग हमारी भारत माता को सोने की चिड़िया कहते हैं। मतलब भारत माता में धन की कोई कमी नहीं है, अरबों रुपए भारत माता की मेहनत से, खून पसीने से अरबों रुपए बनते हैं। सवाल यह है, अरबों रुपए क्या वापस भारत माता को मिल रहे हैं या फिर 2-3-4 चुने हुए उद्योगपतियों को जा रहे हैं? यह सवाल है। हमारे युवा 24 घंटा बेरोजगार भटकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, पढ़ाई के बाद पता लगता है कि देश में रोजगार ही नहीं। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में बहुत गहरा सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के नेताओं से, और मैंने कहा, पूछा कि भारत माता का हम नारा लगाते हैं मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है यह किसी को नहीं मालूम। मैंने जाति जनगणना की मांग की। मैं आपसे पूछूं, जो छत पे लोग खड़े हैं, आपसे पूछूं कि देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है,
आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। लोग जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है, मगर ये नहीं जानते कि कितनी है। यह सवाल जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम भागीदारी देना चाहते हैं, पिछड़ों को भागीदारी देना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना पड़ेगा कि पिछले हैं कितने। भाइयों और बहनों, देश को एमपी और एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप यह सोचते हो, आप गलतफहमी में हो।